आज कम लोग हैं ऐसे। मैं जो रिकॉर्ड बनाना शुरू किया हूं इसका, तो करीब करीब 25 हैं आप सब जो जुड़ते हैं। बहुत से लोग जुड़ कर फिर नेटवर्क इश्यू कारण से बने नहीं रहते, लेकिन 25 लोग आप लोग हैं जो आते हैं जाते हैं, और कुछ यहाँ पे 12 14 15 यहाँ पे सस्टेन करते हैं, रहे रहते हैं। बाकी सभी अपना नेटवर्क सुधारने की कोशिश करिए, मैं भी पूरा कोशिश कर रहा हूँ। वो नंबर कहाँ गया वो अपना? तो हमने अभी तक जो पढ़ा है वन ओवर सब्स्टिट्यूशन, उसमें हमने देख लिया है 20 तक, है ना? 20 नहीं, 25 तक, 26। 26 है, देखिए आज का बहुत ही थोड़ा सा उच्चारण करने में दिक्कत होने वाला है। हाँ, इसलिए हम टाइम, हमारे पास प्रॉपर टाइम है। आ गया कंट्रोल पी। पहला है, आप सब सुन रहे हैं मुझे? सर हाँ, ओके। पहला है ब्लास फेमस, इसको बोलते हैं, मैं लिख रहा हूं, ब्लास फेमस, फमस भी पढ़ सकते हैं, लेकिन फेमस पढ़ लीजिए चलेगा। इसको बोलते हैं धर्मद्रोही, ईश्वर की निंदा करने की भावना करने वाला, भावना रखने वाला, ब्लास फेमस, धर्मद्रोही। यहाँ पे वन हु इज इरेवरेंट टुवर्ड्स गॉड, वन हु इज इरेवरेंट, इसको हम लिख देता हूं मैं, क्या होगा, ई रे व रेवरेंट कर देते हैं इसको, ई रेवरेंट टुवर्ड्स, टुवर्ड्स टुवर्ड्स नहीं, टुवर्ड्स गॉड, वन हु इज इरेवरेंट टुवर्ड्स गॉड, इसको बोलते हैं ब्लास फेमस धर्मद्रोही। मतलब वैसा आदमी जो भगवान के प्रति निंदा की भाव रखता है, अपमानजनक भाव रखता है, उसे बोलते हैं ब्लास फेमस धर्मद्रोही। समझ गए हैं आप? इसका हिंदी लिख देता हूं, भक्तिहीन। हाँ जी बोलिए। वन हु इज इरेवरेंट टुवर्ड्स गॉड, उसको बोलते हैं ब्लास फेमस धर्मद्रोही। दूसरा है बिगॉट, बिगॉट मतलब धर्मांध, धर्मांध या कट्टर। अ पर्सन ब्लाइंडली अटैच टू एनी ओपिनियन और सिस्टम, किसी तंत्र से या किसी विचारधारा से जो आदमी ब्लाइंडली अटैच होता है, उसे बोलते हैं बिगॉट, बी गॉट, धर्मांध या कट्टर। फिर तीसरा है बिब्लियोफाइल, इसको पढ़ते हैं बी ब लियो फाइल। बिब्लियोफाइल कौन होते हैं? अ लवर ऑफ बुक्स, जो जिनको पुस्तकों से प्रेम होता है, उन्हें बोलते हैं पुस्तक प्रेमी, इंग्लिश में बिब्लियोफाइल। समझ रहे हैं? आगे चौथा है बाइगैमी, इसको बोलते हैं, बिगैमी भी पढ़ते हैं, बाइगैमी भी पढ़ते हैं, तो बाइगैमी पढ़ेंगे हम सब, बाइगैमी, द्विपत्नित्व, द्विपत्नी मतलब दो पत्नी रखने की अवस्था, अ स्टेट ऑफ हैविंग टू वाइव्स और हस्बैंड्स ऑफ द सेम टाइम। द्विपत्नित्व ही लिखा है, दो पति का भी यही होता है। अ स्टेट ऑफ हैविंग टू वाइव्स और हस्बैंड्स ऑफ द सेम टाइम, मतलब एक ही समय में दो पत्नी और चाहे दो हस्बैंड रखने की अवस्था को बोलते हैं बाइगामी, बोलते हैं बाइगैमी। इसको आप काट दीजिए, अभी वाइफ्स का ही करिए, मैं कल इस पे करेक्शन कर दूंगा ठीक से। मुझे लग रहा है कि हस्बैंड्स वाला करेक्ट उतना नहीं है, तो
तो अभी पढ़ेंगे अ स्टेट ऑफ हैविंग टू वाइव्स ऑफ द सेम टाइम, इसको बोलते हैं बाइगामी, द्विपत्नित्व। फिर जो लास्ट वन है यह है आधा द होगा, यह है वन हु इज इंगेज इन फाइटिंग अ बैटल और वॉर, वह जो संलिप्त है लड़ाई लड़ने में, लड़ाई या युद्ध लड़ने में संलिप्त है, इसको बोलते हैं योद्धा। और इसको उच्चारण, इसका उच्चारण करते हैं बेलिजरेंट, बेलिजरेंट। समझ रहे हैं आप सब? पूछिए पूछिए। हाँ जी पूछना है आप सबको। हाँ, इंगेज मतलब संलिप्त होना, हु इज इंगेज, मैं इज इंगेज का मतलब करता हूं संलिप्त, संलिप्त है। वन हु इज इंगेज इन फाइटिंग अ बैटल ऑफ वॉर, वह जो लड़ाई में या युद्ध लड़ने में संलिप्त है उसे बोलते हैं बेलिजरेंट योद्धा। अ स्टेट ऑफ हैविंग टू वाइव्स ऑफ द सेम टाइम, मतलब एक ही समय में दो, मतलब एक पत्नी भी है दूसरी पत्नी भी है, मतलब एक की मृत्यु होने पर लोग करते हैं तो अलग बात होती है, तो दो पत्नी एक साथ होती है जब वो, तो उस अवस्था को बोलते हैं बाइगैमी। बहुत सी जनजातियों में इस तरह की प्रथा होती है। तो बाइगैमी, अ स्टेट ऑफ हैविंग टू वाइव्स ऑफ द सेम टाइम, बाइगैमी। एनीबॉडी हैज रिक्वेस्टेड दिस टाइम? Now, blasphemous मतलब धर्मद्रोही, one who is irreverent towards God, वह जो ईश्वर के प्रति भक्तिहीन है, चाहे अपमानजनक भाव रखता है, उसे बोलते हैं blasphemous। फिर है a person blindly attached to any opinion system, वह आदमी जो अंधे रूप से, अंधापन या क्या बोलते हैं, blindly का मतलब क्या कहेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल समान है, यही पूछना था मुझे। वह आदमी जो आंख बंद करके अटैच है, जुड़ा हुआ है, अटैच का मतलब जुड़ा हुआ, ओपिनियन मतलब विचार, और सिस्टम मतलब तंत्र। वह आदमी जो आंख बंद करके किसी विचार या तंत्र से जुड़ा है, जैसे मान लीजिए कि मेरा कुछ विचार होता है, हाँ, अब उस विचार मेरा विचार है, हो सकता है दूसरे के विचार मेरे से अलग हो, लेकिन मैं अपने विचार पे ही हमेशा अड़ा रहूंगा, आंख बंद करके मानते रहूंगा, तो मैं धर्मांध नहीं कहलाऊंगा, मैं कट्टर नहीं कहलाऊंगा। दोनों एक ही मतलब होता है, और इसका इंग्लिश होता है बिगॉट। बिगॉट मीन्स अ पर्सन हु पर्सन ब्लाइंडली अटैच्ड टू एनी ओपिनियन और सिस्टम। फिर इसके बाद है बिब्लियोफाइल मतलब पुस्तक प्रेमी, वैसा व्यक्ति जिसको पुस्तकों से प्रेम है, अ लवर ऑफ बुक्स को बोलते हैं बिब्लियोफाइल। हाँ, फिर बाइगैमी मतलब वैसी अवस्था जिसमें एक ही समय में दो पत्नी रखने की, रखने रखी दो पत्नी होती है, उसे बोलते हैं द्विपत्नित्व, अ स्टेट ऑफ हैविंग टू वाइव्स ऑफ द सेम टाइम। और उसके बाद है बेलिजरेंट मतलब योद्धा, वैसा आदमी जो लड़ाई में इंगेज्ड है, संलिप्त है, उसे बोलते हैं बेलिजरेंट। पूछिए। एनी डाउट? नो सर। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा क्या? अभी जो स्क्रीनशॉट कंप्लीट ले लिया है, जो भी आप में से लिए हैं एक आदमी, हाँ, क्लास खत्म होते ही उसको दे देंगे, तो बहुत से लोग अभी ही अपना निपटा लेते हैं, होमवर्क वगैरह जो कुछ करना होता है, हाँ, तो प्लीज ध्यान रखिएगा।
अभी आज का क्लास 2 मिनट बच गया, किसी कुछ पूछना है? आई एम स्टॉपिंग प्रेजेंटेशन ऑफ माय स्क्रीन। आप लोगों कुछ कहना है, कुछ पूछना है, कुछ बात करनी है? एनी डाउट, एनी क्वेरी? नोट्स नोट्स बना रहे हैं आप सब? नोट्स बना रहे हैं क्या आप सब? बताइए मुझे। चलिए आज का क्लास यहीं पे हम खत्म करते हैं। आप सब प्लीज लीव कर जाइए। गुड नाइट एवरीवन। आप सभी लीव कर जाइए।